जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पर देखिए मैंने डेकोरेशन की सारी तैयारियाँ कर ली है, जो कि सेपरेट रूम नहीं है, हॉल में ही हम जहाँ मंदिर है वहाँ पर डेकोरेशन करते हैं। तो सारे पहले से मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझे उसी दिन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मयूर ने सारी तैयारियाँ कर ली है, मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रखी थी और मैं चली गई थी अब नहाने के लिए। तो देखिए नहा कर मैंने अभी ड्रेस ही पहना है, क्योंकि साड़ी पहनने की मेरे में ताकत नहीं थी, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है और आगे पता चल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने येल्लो रंग का ड्रेस पहनाया है और ब्लू कलर का दुपट्टा है, जो कि कैमरे में ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पर हॉल में मयूर फ्रूट कटिंग कर रहे हैं और मैं अक्खे फ्रूट नहीं रखती। यहाँ पर 12 बजते ही नंद भयो चालू हो गया और यहाँ पर मयूर ने फटाफट से है ना, जो खीरा मैं लेकर आई थी डिंटल वाला, उन्होंने कटिंग कर लिया। मैं तो उनको पूछते ही रह गई, कहीं आपने चाकू से तो नहीं किया, तो बोलते नहीं नहीं यहाँ पर मैंने उसी से किया है जो मैं सिक्का रखती हूँ। तो देखिए मुझे छोटा सा डिंटल वाला मिल गया, बहुत बेल वाला तो नहीं मिला। और यहाँ देखिए 12 बज गए थे, नंद भयो यानी कृष्ण भगवान का हमारे जन्म हो चुका है और इतनी जल्दी जल्दी सब हो गया ना कि क्या बताऊँ। मतलब मैं तो अभी तैयारी कर रही थी, जय घोष कर रही थी, यहाँ तो जन्म भी मयूर ने करवा दिया। तो अब बस देखो उन्हें पालने में बिठाकर मयूर यहाँ फूल का वर्षाव कर रहे, क्योंकि बलून वगैरह इस बार ही हमने नहीं रखे थे। वैसे बाद में हमने फोड़े, भूल गए थे एक्चुअली बलून फुलाना ही। तो ये जो डेकोरेशन वगैरह सब अच्छे से हो गया और साइड में मैंने कमल पे ठाकुर जी को रात को मैं शयन कराऊंगी। तो बस इतनी तैयारी की है, डेकोरेशन बहुत नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें मैंने रूम में तैयार कर ली थी। और यहाँ जानवी भी कि मेरे ठाकुर जी को भी ले लीजिए, मतलब उसने कृष्ण नाम रखा है तो उनको भी मैंने ले लिया है। और यहाँ देखिए सारी तैयारियाँ हो रही है, तो अब मैं ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा लेती हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं। एक बारी मैं आपको झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि तत्काल में फिर जाह्नवी के लिए भी झूला वगैरह रखना पड़ा, उसको भी ठाकुर जी का जन्म करवाना था। तो ठीक है, बच्चे को जैसी इच्छा होती है, जैसी खुशी होती है, वैसे करना ही चाहिए हमें। तो यहाँ मयूर जो है वो जाह्नवी के लिए भी, मतलब उनके ठाकुर जी के लिए भी झूला तैयार कर रहे। तो चलिए अब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेती हूँ और सारी तैयारियां करके फिर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं सारी चीज़ें लेकर आ गई थी, मतलब जैसे भगवान के लिए नहलाने का सारा ही, और उनको जो रात में भोग प्रसादी लगेगी, चांदी की कटोरी में शहद लगेगा। यहाँ हमारे भगवान भी सारे जग चुके हैं, तो मैं अब करा लेती हूँ ठाकुर जी को स्नान। तो देखिए स्नान वगैरह हो गया और यहाँ पर मैंने आरती शुरू कर दी है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला। मुझे बहुत नहीं आता है, बट थोड़ी बहुत जो दो तीन लाइन आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पूरी ही आरती जो है वो टीवी में चालू थी, क्योंकि हम तीन ही लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाह्नवी को बोल रही थी कि आप ये बजाइए, तो मेरे जो हाथ में था ना वही वो बार बार लेकर कह रही थी कि मम्मा ये मुझे करना है, वो करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है और उनको मैंने पलने में बिठा दिया और उनके लिए जो कुछ तोहफे लेकर आई थी वो मैंने सारे ही नीचे रख दिए। ठाकुर जी को सिंपल वस्त्र पहना है, बहुत हेवी नहीं किया, ताकि मैं मॉर्निंग में उनका अच्छे से श्रृंगार कर सकूं, क्योंकि थोड़ी देर में अब मैं उन्हें सुला दूँगी। और यहाँ हमारी राधा रानी तैयार होकर विराजमान है, बहुत ही प्यारी लगी। हमारे ठाकुर जी आए और राधा रानी सोए, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए जाह्नवी के भी लाला जो के कृष्ण भगवान जी है वो विराजमान है। तो इस तरह से हमने सारे ही और रात को करीब 2 बजे तक हमने आरती वगैरह की, पहले पूरी आरती कर ली और उसके बाद है ना हमने जो है वो चालू किया था मैंने पाठ करना, मतलब कृष्ण जन्म जो होता है उसके जो पाठ होते हैं हमारे पुराण में और कथाएं होती है वो। और ये जो वीडियो है ना, जाह्नवी ने चुपचाप से जाके रिकॉर्ड किया था, हमें पता ही नहीं चला। तभी मयूर देख रहे थे कि कैमरा वहाँ क्यों रख के आई फ़ोन, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि ये तो शूट कर रही है। जाह्नवी को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और हमारे यहाँ हंडी वगैरह फूटती है सोसाइटी में, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही था। तो इस प्रकार हमने सारा ही रात को ठाकुर जी का जन्म मनाया है और बाकी का श्रृंगार आपको कल ज़रूर से देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से पूरी ही पूजा आरती करने के बाद हमने पाठ वगैरह कर लिए और ठाकुर जी को कराया शयन। तो देखिए इस तरह से लाइटिंग बंद कर, मतलब मेन लाइट बंद करने के बाद दिखता है लुक। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे।